यूपी के कासगंज में बारिश की वजह से छज्जा गिरने से 3 बच्चे दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से रुक रुक के हो रही बारिश के चलते मकान का छज्जा भरभरा कर गिरा। छज्जे के नीचे खेल रहे 3 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 4 वर्षीय बालक पुष्पेंद्र की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम, रो रो कर हुआ बुरा हाल। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उनका उपचार जारी है। मामला ढोलना कोतवाली क्षेत्र के गांव महावर का है, जहां छज्जा गिरने से 1 बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हैं। संवाददाता फहीम अख्तर की रिपोर्ट। छज्जा गिरने से क्या कुछ हादसा रहा और कितने लोग हादसे में घायल हैं? इसमें छज्जे में 3 लोग थे, इसमें से 1 बच्चा की मृत्यु हो चुकी है, 1 बच्चा घायल है, 1 उसकी बुआ थी वो घायल है, वो अशोकनगर में है बुआ, और 1 बच्चा यहाँ से रेफर कर दिया गया, वो डॉक्टर अनुपम के यहाँ भर्ती है। देखिए, आज लगभग 12:30 बजे एक सूचना मिली थी कि थाना ढोलना गांव महावर में एक मकान का छज्जा, जो लगातार कई दिन से बारिश पड़ रही है, संभवतः उसके कारण छज्जा गिर गया। मकान के आगे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक लड़का अजय नाम का था, एक पुष्पेंद्र नाम का था, दोनों उसमें घायल हो गए। और वर्तमान सूचना मिली है कि पुष्पेंद्र नाम का लड़का, जो लगभग जिसकी उम्र 4 साल है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। परिवार को क्या सहायता मिली? देखिए, क्योंकि ये लगातार बारिश पड़ने की वजह से संभावना इसकी लग रही है, तो ऐसे में हम लोग इसकी पूरी जांच पड़ताल करके दैवीय आपदा के अंतर्गत जो है सहायता राशि जो दी जाती है, लगभग 4 लाख रुपए दी जाती है, इसमें परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी।